हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मकर राशि के जातकों के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए मैं 17th of June to 23rd of June मींस के 17 जून से 23 जून के बीच का टैरेट कार्ड रीडिंग लाई हूं। दोस्तों, ये यूनिवर्सल है। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, आप अपने लवर या अपने पार्टनर से या अपनी फैमिली लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये सबके लागू होगा। अब बस इसीलिए एक बात ध्यान रखिए, हर बात हर एक से रेजोनेट नहीं होती, हर बात हर एक पर लागू नहीं होती है। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। दैट्स अ वेरी नाइस कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड निकला है ये आपका। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये भी आपका लकी कार्ड निकल रहा है दोस्तों। वांड्स, चैरियट, You may travel, आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। स्वॉर्ड्स का जो कार्ड निकल रहा है, ये कार्ड भी आपको थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल करने को कहता है। द हेरिफेंट, दैट मीन्स आपकी लाइफ में कोई टॉरस वृषभ राशि का व्यक्ति आने वाला है, गुस्से पे तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स निकला है, तो उससे फिर आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपका सन का कार्ड निकला है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी लकी कार्ड। आइए देखते हैं फीलिंग्स। पेंटिकल्स कार्ड, कुछ काम ऐसे हैं जो आपके अटकने वाले हैं, तो आप यदि समझदारी से काम लेते हैं तो आपके जो काम अटकने वाले हैं वो नहीं अटकेंगे। मकर राशि के लिए ये सप्ताह मिला जुला है, इसमें आपको मिले जुले हर बात के फल मिलने वाले हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो अटक गई थी, कोर्ट कचहरी का है या कोई भी ऐसा कार्य है जो कि अटका हुआ था, तो वो घूम फिर कर ठीक होने के पूरे चांसेस हैं। और एक और आपसे बात कही जा रही है कि इस वीक के बिगनिंग में हेरिफेंट द कार्ड ऑफ सोर्स एंड कप्स, ये सब कह रहे हैं कि आपको शायद समथिंग लैंड रिलेटेड, भूमि संबंधी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जो आप यदि जॉब में हैं तो यू शुड नॉट लीव योर वर्क इन द हैंड्स ऑफ अदर्स, आप अपना काम किसी दूसरे पर डालकर मत जाइएगा, नहीं तो गड़बड़ होने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आपने जिसके भरोसे छोड़ा वो ज़रूर गलती करेगा, मे बी बिकॉज ऑफ जेलस, तो आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। आप बिजनेस में हैं तो यू शुड नॉट टेक अ रॉन्ग पाथ। देखिए, जैसे ये चैरियट में ब्लैक एंड वाइट दो घोड़े हैं, तो ब्लैक इज़ द पास्ट एंड द वाइट इज़ द फ्यूचर, और उसके बीच में से आपको रास्ता चुन के निकलना, तो आपसे कहा जा रहा है कि गलत रास्ता मत पकड़िएगा बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। This card is showing that आपको बहुत बड़ा कोई खर्च आपके सामने आने वाला है, तो खर्च करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा ना खर्च करें कि आपको लोग किसी से पैसा उधार लेना पड़े। दोस्तों, इस वीक में आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है, इतना खर्च बिल्कुल मत कीजिएगा कि किसी दूसरे से पैसा उधार लेना पड़े, और किसी भी प्रकार की गलत फहमी में मत आइएगा। वो ऐसे में क्या होता है, जैसे कि आप कहीं गए और आपको उसी काम किसी के भरोसे छोड़ गए, उसमें गड़बड़ हुई, तो कोई भी उल्टा सीधा भड़का दे, तो ऐसी गलत फहमी में बिल्कुल नहीं आना है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और प्रेम संबंध यदि आपका है तो आपको सावधानी से कदम उठाने हैं, आप बिल्कुल अंधाधुंध चलते नहीं चले जाएंगे। आपकी यदि मैंने जो बताई हैं इन सारी बातों को आप ध्यान रखते हैं, केयरफुल रहते हैं, गलतफहमी में नहीं आते हैं, कोई अंधाधुंध कदम नहीं उठाते हैं, फालतू का खर्च नहीं करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी इसी प्रकार लहलाएगी और आपके खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।